सख्ती नहीं बरती गई तो नेपाल भी चीन और पाकिस्तान की तरह नासूर बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अश्ताक खान की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अचानक नेपाली सेना द्वारा की गई फायरिंग में सोनबरसा थाना क्षेत्र के जानकी नगर के एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुक्रवार सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद शमशाहनवाज ने एक निजी अस्पताल में इलाजरत घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया कि ये जो गुस्ताखी आज नेपाल ने किया है, अगर वक्त रहते कमान नहीं कसा गया तो आने वाले समय में नेपाल भी उसी परिस्थिति में चला जाएगा जो आज चीन और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के साथ कर रहा है। देखिए, जब आपका वहाँ पे बॉर्डर खुला हुआ है, जब वहाँ पे वैसी व्यवस्था है जहाँ लोग आते जाते हैं या उस तरीके का माहौल नहीं है, तनाव नहीं है, उस परिस्थिति में पुलिस ने जिस तरीके से फायरिंग की वो निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम निश्चित तौर पर माननीय हमारे गृह मंत्री और हमारे जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, हम उनको पत्र लिखकर जो सीतामढ़ी का जो पूरा बॉर्डर है जो नेपाल को कनेक्ट करता है, उन तमाम बॉर्डर पर ऐसी व्यवस्था करने की मांग करेंगे ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय को अपनी जान न गंवानी पड़े। ये निंदनीय घटना है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।